प्रभारी मंत्री ग्राम इंद्रगढ़ में हुई घटना में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे 4 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देर रात सुभाषपुरा थाना अंतर्गत ग्राम इंद्रगढ़ में हुई मारपीट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतक नारद जाटव के परिजनों से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस घटना के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने परिवार को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 4 लाख की सहायता राशि का चेक दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। प्रदेश में अराजकता और क्रूरता के लिए कोई स्थान नहीं है। हम हर परिस्थिति में नागरिकों को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय सिंधिया जी ने दोनों ने मुझसे बोला, आपके बीच जाऊं, आपके पास आया, आपको निश्चित रूप से बड़ी घटना है, वो तो वापस नहीं आ पाए, पर हम आपके साथ, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरा आपके साथ न्याय होगा। यही बात माननीय श्रीमंत ज्योतिराय जी सिंधिया जी ने कही और वो आपके बीच आएंगे भी सिंधिया जी, और आपको भी जो है तत्काल आपके लिए फौरी पूरी एक सहायता, हम लोग 4 लाख रुपए का एक ये चेक आपको दे रहे हैं। ये सरकार की तरफ से है और आपको ये लो माता जी, आपके नाम से है, आपको माता जी ले लो चाची ले लो। शान का दोस्त है मंत्री जी बैठे चेक उनको दे दियो, क्या दे दियो चेक की फोटो कॉपी है, रिकॉर्ड में लगाना पड़ता है। नहीं नहीं, आप विश्वास रखो प्रशासन तो मुझे रात में चल के अपने जैसे ही मालूम पड़ा आपके बीच हम लोग इसीलिए आए हैं। सरकार हमने आपसे फिर कहा मकान हट जाएगा, हमने थोड़ी तसल्ली आई। सास की संपत्ति पे बना हुआ है वो, हमारे पापा की संपत्ति पे बना है वो। आप आए सम्मानीय, मेरे का पुत्र भैया, आप मेरे आए तो मेरे मेहमान है। सुन लीजिए, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं है ना मेहमान है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं फिर आपसे साफ कह दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय सिंधिया जी ने आप लोगों के बारे में चिंता की है और ये बात मैं आपको साफ बताना है और पूरा हम आपको सहयोग करके और जो भी जरूरत पड़ेगी वैसे आपके बीच रहेंगे, बात करेंगे।